So we could have solved it easily, but now there are lots and lots of big powers which are coming into play. How to solve them? A lot of you would be knowing. So if you know the method, try to solve it without my solution first and then check your answer. Now, if you have not done these kind of questions or you're not confident, then I'll tell you how to attack these kind of problems. So let's first of all simplify the problem. So if I say 2 raised to power 3 divided by 7. हाउ डू यू आर थिंकिंग लाइक दिसन ऑलवेज इन सो वॉट एवर नंबर ठीक है जो भी नंबर आपका यहां पर ठीक है, है जो भी नंबर यहां पर है वो कैसा होना चाहिए सेवन प्लस माइनस वन सो वॉट इज सेवन प्लस माइनस वन विच इज थर्टी टू थर्टी टू दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए था दिस इज आर पावर्स ऑफ टू राइट पावर ऑफ टू ग्रेस्ट और फाइव तो अगर प्लस वन अंडरस्टूड फर्स्ट थॉट प्रोसेस आई नो सबको इतना समझ में आ गया होगा ये तो सबने करा हुआ बहुत बढ़िया सर आई नो ऑल दिस Now, how to utilize this particular concept in solving power of power. You must have done single power type of problems, but how to solve power raised to power power problems? Let's see that. So now with the knowledge that you have attained, 2 raised to power 3 means 8. 8 Acha. So I can say 8 raised to power m. Now, first of all, let's understand with 8 raised to power m.

सेवन के सर ये से आया? एवरी टर्म के? सारे इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की सो so, रिमाइंडर पूछा जाना था रिमाइंडर के लिए कौन सी टर्म बची दिस इज एक्चुअली योर रिमाइंडर दिस योर रिमाइंडर विच वी कैन इजीली सी इज एम ओनली वन जीरो

At this point in time here. यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर क्या 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 करें? अच्छा, अब अगर हम देखें यहां पर पर का देखते हैं, तो हैं कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है करा जाए? सोचो इसमें सब लोग मैं आपके साथ बात कर रहा हूं क्या करें जिससे अच्छा, अब देखो टूरेस्ट पर क्या मैं थ्री के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर, कर सकता हूं

यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता सकता था था ठीक ठीक है है और अगर आप नोटिस करोगे तोटल कितनी कितनी बच्चों इसमें इसमें टोटल पावर है. तो एक कैसे लिखा जा सकता था? 3 to power 160. ठीक है? फिर आता माइनस का साइन वन ना और ये आगे तक चलता और लास्ट टर्म क्या होती प्लस वन या माइनस वन

Now, notice I could write this entire 2 raised to power 60 as 3k plus 1. This is the crux of the matter. This was important step in this particular question. Ka ke liye. That I can write 2 raised to power one sixty as 3k plus 1 because they are proven by binomial. Now, coming back to this and I will link it here. Sir, Just stay with me for some more time and you will understand why and what is happening. तो मैं इसको यहां पर लिंक करता हूँ वट इज दिंकिंग एंड इफ आई टेक दिस क्या बन जाएगा? Pen change करते हैं वापस से। 2 raised to power 5 into, ये कितना हो गया Can I say 3K plus 1 type का नो फॉर सम के इट विल बीवल इन टू टू रेस्ट will नाउ यू magic. मैजिक is इज हमें क्या चाहिए था सर टू की पावर थ्री अरे सर दिख गया यहाँ पर टू की पावर थ्री तो अच्छा अब इसी को और देखो मैंने कैसे आसान करा तुम लोगों के लिए जो पावर आ रही थी ये क्या है फाइव इन टू थ्री के प्लस फाइव मल्टीप्लाई था स्प्लिट कर दिया थ्री प्लस टू में ये फाइव इंटू थ्री के एंड नाउ आई कंबाइन दीज टू तो ये कितना बन जाएगा थ्री टाइम्स फाइव के प्लस वन प्लस टू एंड आई कैन अगेन से थिंग बट्टीपल ऑफ थ्री तो इसको क्या लिख सकता था इसको मैं क्या कर देता हूँ थ्री पी प्लस टू सो दर पावर एक्चुअली जो आपके पास ऊपर थी वो क्या बन गई थ्री पी प्लस टू ओहो सर गजा भी हो रहा है और नीचे हमारे पास क्या था वॉट वी वर्ड लेफ्ट दिस इज टू रेस टू पार दिस सर प्लस को क्या कर सकता हूँ प्लस को आई कैंड राइट है इसको मैं क्या लिख सकता था टू रेज टू पार थ्री पी इंटू टू स्क्वेयर Which I can say 4 dot 2 raised to par 3P sir ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी करा था 8 raised to power m this becomes 8 raised to power P हमने 3 को अंदर multiply कर दिया पहले Simple. so this comes अगर मैं यहीं पर ले लूँ ये क्वेश्चन क्या बन गया 4 I'll just write it for you here so that you guys can understand and correlate better 2 रेस्ट पर 3p व्हिच इज नथिंग बट 4 8 p और आपने 4 8 रेस्ट पर m और 8 रेस्ट पर p करा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर 8 रेस्ट पर p पे रिमाइंडर 1 मिल रहा था अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर वुड डेफिनेटली कितना हो गया भाई आंसर वुड बी 4 क्योंकि अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता फिर तो

अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है दिस क्वेश्चन बिकम्स योर होमवर्क इफ जी आई एफ इफ दिसोट फ्रैक्शनल पार्ट नॉट जी आई एक्शनल वैल्यून दिस ऑलरेडी डन बताना है मैं हंस रहा हूं तुम्हें तो मुझे कमेंट में बताना है मैं क्यों स्माइल कर रहा हूं ठीक है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर होमवर्क इन दी कमेंट बॉक्स डू लेट मी नो वॉट इज दी आंसर To this particular problem, and I hope as usual, you guys are enjoying what we guys are doing here at Math On go Keep subscribing to our channel. Do not forget to hit that subscribe button and hit the notification bell so that you get to know these kind of really really good updates at your end. God bless, keep working hard because I'm paper phone.